चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग रमेश कटके जी आए सर। सर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को साधुवाद। आज बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है जो कि हमारे देश के इतिहास के लिए सबसे जरूरी है। मैं कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा 5-10 से 12 मिनट लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल इतिहास क्या है। हम जब त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि तथागत बुद्ध के सामने पसे नदी राजा, जो प्रसेनजीत कहते हैं, वो आकर बैठता है। बीच में जो दोपहर का समय होता है तब पसे नदी राजा आकर पूछता है कि भगवंत, मेरी पॉलिटिकल राज्य की, मेरे राज्य की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए। वो कहता है कि मेरा जो मेरे मजदूर लोग हैं इनके प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। दूसरा राजा आता है जो अजात शत्रु होता है, अजात शत्रु, वो पूछता है अपने वस्त्रकार को, जाओ जाकर पूछो तथागत से कि हमें वज्जी का साम्राज्य, वज्जी का जो राज्य है हमारे राज्य में शामिल करना है, हमें युद्ध का धोरण क्या होना चाहिए, युद्ध की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तथागत बुद्ध का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बुद्ध पॉलिटिकल एडवाइस भी देते हैं, सोशल एडवाइस भी देते हैं, इकोनॉमिक एडवाइस भी देते हैं और लेबर की पॉलिसीज भी देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिज्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये सोशल डेमोक्रेसी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि समता ये लोकशाही का, लोकतंत्र का दूसरा नाम है, इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को हम बार बार गहराई से पढ़ते हैं तो सारे जगह जगह पर बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए इसके बारे में काफी बार जिक्र किया है। ये बात हो गई हमारे इतिहास की, पॉलिटिकल सिस्टम की। वही पॉलिटिकल थ्योरी जो तथागत बुद्ध की होती है, वही पॉलिटिकल थ्योरी विश्व का सबसे महान सम्राट, जो कि अपनी पॉलिटिकल थ्योरी ह्यूमैनिटी से चलाता था, अपने राज्य के सबसे अंतिम इंसान को भी वो जस्टिस देता था, सोशल जस्टिस देता था, इक्वालिटी देता था, उसका नाम सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक जिसको हम कहते हैं। तो हमारा जो इतिहास है सारा का सारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में बिखरा हुआ पड़ा हमें दिखाई देता है। जब हम सम्राट अशोक के शिलालेखों को और उनकी पॉलिसीज को पढ़ते हैं तो अंग्रेजों ने, अमेरिकन लोगों ने अशोक के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी बहुत खूब तारीफ करते हुए लिखा है। अब यही थ्योरी बाबा साहब ने हमारे सामने मॉडर्न फॉर्मेट में पुटअप की, क्योंकि बाबा साहब की शिक्षा दुनिया का सबसे समृद्ध लोकशाही देश अमेरिका से बाबा साहब की पढ़ाई हुई थी। बाबा साहब ने इंग्लैंड में जाकर, जबकि उनके जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का सेंटर था जो इंग्लैंड था, वहां पर बाबा साहब ने पढ़ाई की थी। तो बाबा साहब को आधुनिक फिलॉसफी, आधुनिक पॉलिटिकल साइंस और आधुनिक तत्व ज्ञान और बुद्ध का तत्व ज्ञान, इन सारी बातों का बाबा साहब ने कंपेरेटिव अभ्यास किया था। उसके ऊपर बाबा साहब की एक थ्योरी बनी थी। बाबा साहब की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसका निचोड़ तथागत बुद्ध की विचारधारा और आधुनिक विश्व की डेमोक्रेसी का निचोड़ बाबा साहब के दिलो दिमाग में दिन रात बढ़ता था, दिन रात उनके खून में डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल चलता था। अब बाबा साहब की फिलोसॉफिकल थॉट, बाबा साहब के पॉलिटिकल आंदोलन और आज के आंदोलन में हमें क्या फर्क दिखाई देता है? जबकि हम लोग बाबा साहब के स्पीचेस के सारे खंड पढ़ते हैं, बाबा साहब की खासकर दो चार इंपॉर्टेंट किताबें अगर गहराई से हम पढ़ते हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स को अगर गहराई से हम पढ़ेंगे, उसके बाद व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, गांधी रानडे एंड जीना, बाबा साहब की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये ऐसी किताबें अगर हम पढ़ते हैं तो स्टेट्स एंड स्टेट वर्सेस फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ऐसी किताबों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि बाबा साहब जैसा आधुनिक विश्व का कोई भी बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं हुआ। एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट है जिसका नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका कथन है बाबा साहब के बारे में। वो कहता है कि भारत देश का इतिहास
1927 से तो 1956 तक एक ही इंसान लिखता था, उसका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। तो वो कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में और पोस्ट अंबेडकराइट आंदोलन में क्या डिफरेंस है। तो वो लिखता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था वो एक्शन का आंदोलन था, और पोस्ट अंबेडकराइट पीरियड में जो भी अंबेडकराइट मूवमेंट्स में लोग काम करते हैं उनका आंदोलन रिएक्शन का आंदोलन बना हुआ है। क्या फर्क होता है? वो कहता है कि 1927 का महार का आंदोलन जब बाबा साहब छेड़ते हैं तो सामाजिक चेतना लोगों में पैदा करने के लिए वो काम करते हैं। तो बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी राजकीय क्रांति को सफल बनाने से पहले सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति ये पॉलिटिकल क्रांति की नींव होती है। पॉलिटिकल क्रांति जो होती है वो आउटपुट होती है। जैसे कि किसी समाज की अगर सांस्कृतिक डेवलपमेंट काफी बड़ी हो, जिसका संघ एक साथ जुड़ा हो और सोशली वो लोग कमिटेड हो, तो वो सोचते हैं कि किस इंसान को हमें पॉलिटिकली चुनना है, किस पार्टी को हमने वोट देना है, किस पार्टी का हमने समर्थन करना है। ये तभी संभव होता है जब उस समाज की सामाजिक जड़े और सांस्कृतिक जड़े बुलंद होती है। उस वक्त उस समाज का पॉलिटिकल इतिहास आगे जाके तैयार होता है। उसको पॉलिटिकली समझने की सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समाज का सारा समर्थन उसके साथ होता है। तो वो कहता है कि बाबा साहब ने जो 1927 में जो आंदोलन छेड़ा था उसका परिणाम जो हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में बाबा साहब ने अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जीती थी। याद रखो, पहली 1930 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो पहली वाली 1930 की, उसमें सारा का सारा बाबा साहब का ही बोलबाला था। आप अंग्रेजों के सारे पत्रक देखोगे, लंदन टाइम्स देखोगे, हेराल्ड टाइम्स देखोगे, न्यूयॉर्क टाइम्स देखोगे, तो अंबेडकर का ही वर्णन वहां पर दिखाई देता है। उनके इंटेलेक्चुअल हाइट्स का, उनके पॉलिटिकल थिंकर का, इकोनॉमिक थिंकर का, पॉलिसी मेकर का और कानून बनाने का सारा जिक्र वहां पर अंग्रेजों के सारे न्यूज़पेपर में आया करता था। तो उन्हीं के विचार पर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो गांधी को और गांधी को और कांग्रेस को बहुत बड़ा शॉक बैठा। कांग्रेस को न्योता नहीं दिया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने, लेकिन जानबूझकर खुद होकर गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसीलिए गए थे क्योंकि अंबेडकर ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपनी बुद्धिमत्ता से जीती थी। और सिर्फ वहां पर 14 एजेंडे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन गांधी ने अपनी सारी ताकत, डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार मिलाने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी आंदोलन छेड़ा और अंग्रेजों को खूब जाकर समझाया बताया और उनको राजी किया, उसका विरोध करने के लिए गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भरजोर विरोध किया। जब लियाकत अली, मौलाना आजाद और कुछ जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनके पास गांधी जी चले गए, कुरान की कॉपी लेकर चले गए और उनको कहा कि मैंने आपके लिए ये कुरान की कॉपी लेके आया हूँ, आप कुरान के ऊपर हाथ रखकर मैं आपके सामने कहता हूँ कि आपको सारा का सारा समर्थन देने के लिए मैं और कांग्रेस तैयार हूँ, बशर्ते कि आप डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करो। तो लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हमको कुछ भी विरोध नहीं किया, फिर गांधी जी आप कैसे कहते हो कि हमने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना चाहिए। उन्होंने गांधी की बात ठुकरा दी। ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर पूना पैक्ट बना था। बाबा साहब ने जितना भी कमाया था पॉलिटिकली उतना गांधी के एक फास से, एक अनशन से हमने गवा दिया था। बाबा साहब डबल इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं तो इनका राइट है। उन्होंने कहा अंग्रेजों को, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आपने तो हमसे ज्यादा सक्षम सिखों को, मुस्लिमों को आपने रिजर्वेशन दिया, लेकिन हमको आपने हिंदुओं में जोड़ दिया जो कि हम लोग हिंदू है ही नहीं है।
अगर हम हिंदू है तो बाबा साहब सवाल पूछते हैं कि क्या ये हमको स्कूलों में आने देते हैं, क्या ये मंदिरों में आने देते हैं, क्या ये हमें जमीन खरीदने देते हैं, क्या हमें गांव में घूमने देते हैं, क्या ये हमारे लड़कों और लड़कियों के साथ शादियां करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते तो हम हिंदू कैसे। तो इसीलिए हमको प्रोटेस्टेंट हिंदू कहा जाए, ऐसी मांग बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कही थी। और इसके आधार पर पूना पाठ का बाबा साहब ने अपने झोली में अधिकार डाल लिए थे, गांधी ने उसका विरोध किया, इसीलिए हमसे वो अधिकार छीन लिए गए। सबसे बड़ा कुठाराघात हमको पूना पैक्ट में ही हुआ। उसके बाद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसके बाद हमको बाबा साहब ने वोट का राइट दिया और उसके बाद चुनाव में खड़ा रहने का भी अधिकार दिया। उसके बाद संविधान लिखा और संविधान में सारे के सारे अधिकार हमको मिले। हम पिछले 70 साल में क्या कर गए, तो एक ही बात करें हम लोग हमारा सारा पॉलिटिकल आंदोलन रिएक्शन में खड़ा किया। कोई तो भी हमारा आरक्षण निकाल देगा, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कोई तो भी हमें जो मिला हुआ एट्रोसिटी एक्ट का अधिकार है वो निकाल देगा, फिर उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। कोई तो भी हमारे औरतों के ऊपर, हमारे लड़कियों के ऊपर अत्याचार करेगा, उसका हम विरोध करेंगे। कोई तो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन लेगा, उसके लिए फिर हम विरोध करते जाएंगे। हमारा सारा का सारा एक्शन का आंदोलन खत्म हो गया, हम रिएक्शन में बात करते रहे। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल आंदोलन अनसक्सेस रहा है। यही बात मुझे कहनी थी कि हमारा जो पॉलिटिकल आंदोलन, अगर हमको सही करना है तो बाबा साहब ने कहा है कि उसमें से तीन चार हर्डल्स है। क्या हर्डल है? कास्ट हर्डल है। बाबा साहब 25 नवंबर को कहते हैं 1949 में, कास्ट और एंटी नेशनल जातिया राष्ट्र विरोधी तत्व है, इनको मिटाना पड़ेगा। और उसकी सिस्टम पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली प्रावधान हमने संविधान में किए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन से संभव हो सकता है। ये हम लोग पिछले 70 साल में नहीं समझने की वजह से हमारे सारे पॉलिटिकल अधिकार आज हम लोग खो चुके हैं। अगर ये सारे पॉलिटिकल अधिकार हमको फिर से पाने हैं तो हमें इकट्ठा होना होगा, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक कल्चर आंदोलन लड़े बगैर हमारा पॉलिटिकल आंदोलन कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। इसीलिए विद द पीपल की हमें जरूरत है, हमको एक एक कड़ी कड़ी जोड़ना है। आज हम 300 लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम 300 लोग समाज के बारे में चिंतन करें कि 300 पर एक जीरो कैसा बढ़ाया जाए, 30,000 कैसे बने, 3,000 कैसे बने, 30,000 कैसे बने, 3 लाख कैसे जुड़े। जिस दिन हम वी द पीपल में 3 लाख लोग जमा हो जाएंगे, हमारे सारे पॉलिटिकल लोग हमारे दरवाजे पर, चौखट पर खड़े हो जाएंगे कि हमें पॉलिटिकल अधिकार देने के लिए आप सम्मति दे दो। यही बात वी द पीपल जैसे आंदोलन से, संघ से जुड़ने के बाद ही संभव हो सकती है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय बुद्ध। जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है
उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam.